हेलो दोस्तों, मैं रोहित फंक्शन स्पीक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने वाले गूगल शीट के अंदर अल्फाबेट ऑटो फिल कैसे करते हैं। एक्चुअली ये एक मेरे दोस्त को एक इशू आ रहा था। वो नंबर्स जो है वो तो ऑटो फिल कर रहा था, ठीक है, और जबकि मंथ और डेज वगैरह भी ऑटो फिल हो रहे हैं, लेकिन अल्फाबेट जो है वो ऑटो फिल नहीं कर पा रहा था। दोस्त ने बोला, भाई इसके अंदर कुछ है तो बता। मैंने ठीक है, मैंने उसे सोल्यूशन तो दे दिया और मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो भी बनानी चाहिए। तो छोटी सी वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। जो हमारे एडवांस यूजर्स हैं उन्हें तो शायद ये पता होगा, बट जो हमारे जो नए बंदे जो अभी सीख रहे हैं, हो सकता है कि वो इस चीज को ना जानते हो, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली है क्या। देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं 1 और 2 लिखता हूँ ऑटोफिल कराने हैं, तो मैं बस इसे यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैन लिखूंगा, ठीक है, मुझे मंच चाहिए, तो मैं जैन के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ऑटोफिल हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही डेज भी हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, ये सब ऑटोफिल हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए से करके देखते हैं पहले, ये देखिए कुछ भी नहीं आया। ए बी से करके देखते हैं, ये देखिए बाकी कुछ नहीं आया, सिर्फ ए और बी ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। जो हमारे एडवांस यूजर है, जैसे मैं बताया, शायद उनको तो पता होगा, बट जो नए हैं लोग जिनको अभी इसके बारे में नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो है। वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन इनको लगाना पड़ेगा जो कि है इक्वल टू, कैर लिखेंगे, CHAR, कैर, इसके बाद रो का फॉर्मूला लगाएंगे, ROW, F मारेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा सेल का, ठीक है, जो कि होगा A65, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे एक रो के लिए और एक कैर वाले फंक्शन के लिए, इसके बाद एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर ए आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से पकड़कर नीचे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए, अब जहाँ तक आप इसे ड्रैग करेंगे वो आता रहेगा। अब हमें चाहिए कि हम इसमें छोटी ABCD, मतलब जो छोटे अल्फाबेट्स हैं, वो तो कैसे ऑटोफिल करेंगे। उनके लिए भी सेम चीज, पहले हम करेंगे कैर, फिर रो का फॉर्मूला, इसके बाद जैसे वहां पर A65 लिखा था वैसे ही यहां पर A97 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। और ये देखिए यहां पे ये शोध कर रहा है पहले से, बट मैं इसे कट कर देता हूं और यहां से आपको दिखाता हूं ट्रैक करके, ये देखिए देख रहे हैं, बहुत इजी है। और भी मैंने वीडियोस देखी है, बहुत सारे तरीके हैं इसको, मतलब इस चीज को करने के, लेकिन सबसे इजी वे मेरे को ये लगा। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा और आप इसे जस्ट याद रखिए, और ये जो आपकी अल्फाबेट ट्रैक करने की जो ऑटो फिल करने की प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।